हेलो नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? मजे में? आई विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अनअकैडमी नीट लाइव डेली. अनअकैडमी भारत का अपना एजुकेशनल चैनल, अनअकैडमी जिसका ये नारा है कि घर घर में डॉक्टर हमारा है. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आज आपके सामने हूँ फिर से एक बेहतरीन लेक्चर लेकर के एनिमल किंगडम के इस टॉपिक पे. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास एव्स, विच इंक्लूड्स बर्ड्स. क्या पहचान सकते हैं पीछे जिस बर्ड की तस्वीर लगाई गई है, ये जो वीडियो आपको दिख रहा है, क्या पहचान के बता सकते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं? हां जी, शहनवाज, तौसीफ, युक्ता, फैजान, धनंजय, शहाना, तनु, अर्घा, सचिन, रूपांजलि, जयंत, दीपक, ऋषभ, डॉली रानी, वाहिद, अहमद, तनु. हेलो जी, हेलो सबको, वंस अगेन हेलो जी. बच्चे कहते हैं सर ये हेलो जी तो एक स्टेटमेंट बन गया हमारे लिए. हाँ जी, आउल सही कहा है, कमरान सैफी ने बिल्कुल ठीक कहा है. आउल, जूलॉजिकल नेम इज ब्यूबो. तो आप जो अपने पीछे देख पा रहे हैं दैट इज आउल. और कौन कौन है जी हमारे साथ? बुशरा है, प्रियांशु है, विधि, अनुष्का, हनी सिंह, आदित्य, मारिया, नैन्सी, संजोगिता, सुमन, अजय, कुणाल, रिंकू, डॉली, बनी, शिवम. वंडरफुल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए. बड़ी बेहतरीन वीडियोस आज आपको दिखाऊंगा, बड़े अच्छे अच्छे बर्ड्स के बारे में बताऊंगा. क्या आपको पता है कुछ बर्ड्स पॉइजनस भी होते हैं? आज एक पॉइजनस बर्ड के बारे में भी जिक्र करेंगे. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 20 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. लाखों स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के आज अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं. ऑल इंडिया रैंक वन एम्स, ऑल इंडिया रैंक वन AIPMT, ऑल इंडिया रैंक वन DPMT. अगला नंबर आपका है. मुझे बड़ा गर्व होगा अगली बार ये अनाउंस करने में कि मेरे स्टूडेंट्स आप में से ही रैंक वन लेकर के आए हैं नीट में. राइट राजा बेटा, चलिए आगे बढ़े जी. ग्रेट. टेलीग्राम का ये ऐप अपने सेलफोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिए. टेलीग्राम के ऐप के जरिए आप हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं. और एक और बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बताता हूं जो हमने आपके लिए शुरू किया है, दैट इज tinyurl.com/neetlivemobile. आप अपने फोन के ब्राउजर में ये चीज टाइप कीजिए जो मैंने लिखा है यहां पर, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास इस तरह से गूगल स्प्रेडशीट खुल जाएगा जिसमें आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी प्रोफेसर्स के जो लेक्चर्स हैं उसका कंप्लीट आपको लिस्ट मिल जाएगा. जैसे ये एनिमल टिश्यूज का लेक्चर वन, सीधा यहां पे प्ले पे टच करा, सीधा लेक्चर चल पड़ेगा. राइट, नोट्स, पीडीएफ, सारी चीज आपको यहां मिल जाएगी. राइट, यानी आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा. तो सारा काम आसान कर दिया ना आप लोगों के लिए. ग्रेट जी, प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो हर मायने में प्लस है, इसे जरूर एक्सप्लोर कीजिए. प्लस पे लाइव प्लस क्लासेस हैं, वी हैव टेस्ट सीरीज, क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स के लेक्चर्स आपको यहां पे देखने मिलेंगे. जैसे आप अश्विनी सर का लेक्चर देख पा रहे हैं, मेरे बैचेस हैं और भी एजुकेटर्स हैं. बायोलॉजी का क्रैश कोर्स भी यहां पे चल रहा है. क्रैश कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने सेलफोन में डाउनलोड करना है. अनअकैडमी का ऐप जो है आप जब इंस्टॉल कर लेंगे, प्लस वाले सेक्शन में जाइए, नीट कैटेगरी में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन. राइट, सब्सक्रिप्शन अब आप 3 महीने का ले सकते हैं अगर आप क्रैश कोर्स के जिक्र कर रहे हैं. कोड सेम रहेगा, ये कोड यूज करना मत भूलिएगा. कोड इज व्हाट, सचिन लाइव. चाहे आप 1 ईयर का लें चाहे 2 ईयर का, डिपेंडिंग अपॉन आप क्लास 11th में है या क्लास 12th में है या क्लास 10th में है. नीट 2020 के लिए 3 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए आप हमारे साथ. ये कोड इस्तेमाल कीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा. ग्रेट जी, चलिए. सो टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम क्लास एव्स. अब आते हैं हम अपने मेन लेक्चर पे. 228 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, दैट्स रियली वंडरफुल. प्रणाम राजेश हुडा, पुनीता, इरीब, अनम, ऋषिकेश, तौसीफ, साक्षी पांडे, युक्ता, संदीप, सलमान, संयोगिनी, वेदांत, नैन्सी जायसवाल, पारुल. ग्रेट जी, चलिए सुनिए मेरी बात. एक बड़ा ना प्यारा सा जोक लेके आया हूं आपके लिए. इंशाल्लाह कल को आप भी डॉक्टर बनेंगे, सो थोड़ी सी सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए. सो क्या लिखा है जी, एक पेशेंट डॉक्टर से कह रहा है, द प्रॉब्लम इज दैट ओबेसिटी रन्स इन आवर फैमिली. पेशेंट कह रहा है जी भाई समस्या ये है कि हमारी परिवार में जो है सभी लोग मोटे हैं, मोटापा जो है हमारी फैमिली हिस्ट्री है, इट रन्स इन आवर फैमिली. डॉक्टर कहता है नहीं, गलत. नो, द प्रॉब्लम इज दैट नो वन रन्स इन योर फैमिली. समस्या ये है मोटापा आपकी फैमिली में नहीं दौड़ रहा, आप में से कोई दौड़ ही नहीं रहा इसलिए मोटे हैं. बढ़िया है ना जी, मजेदार.
सो डॉक्टर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो भी थोड़ा सा मजेदार होना चाहिए जी। संदीप, प्रशांत, वंशिका, अनुष्का, सैयद, रोहित, डॉली, तौसीफ, विधि, संयोगिनी, ग्रेट जी, कमरान। चलो अब आ जाते हैं हम अपने लेक्चर पे, मेन मुद्दे पे। मजा आया ना? तो मैं चाहूंगा इस तरह के आप डॉक्टर पेशेंट के कुछ ना कुछ प्यारी सी जोक्स, कुछ कोटेशंस आप भी लिख करके जरूर भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तरफ से भी इस चीज को स्क्रीन पे जरूर दिखाऊं आपके नाम के साथ। चलिए बेटा, जिक्र करते हैं बर्ड्स का, नेचर की बड़ी ही ब्यूटिफुल और खूबसूरत क्रिएशन, क्लास एव्स बर्ड्स। आप जानते हैं बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज ऑर्निथोलॉजी। जो बर्ड आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहां पे स्क्रीन में, दिस इज अ हमिंग बर्ड। क्या आप जानते हैं हमिंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड्स ऑल्सो? इंडिया में सनबर्ड पाया जाता है। सो हमिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड है जो कि बैकवर्ड भी उड़ सकता है। कहते हैं इतनी तेजी से ये हॉवर करता है, ये नेक्टर सकिंग बर्ड, ये इंसेक्ट भी खाता है कि शायद इसकी परछाई ही नहीं होती जमीन में। बट ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं हो सकता कि परछाई ना हो, लेकिन वो इतनी तेजी से मंडराता है इधर उधर कि उसका परछाई आप नहीं देख सकते। क्लियर है जी? सो ऐसे बहुत ही खूबसूरत से बर्ड्स आज आपको दिखाने वाला हूं। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं और डॉक्टर सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बहुत एक्सटेंसिव काम करा है इन्होंने बर्ड्स पे, बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। सो जिक्र करते हैं जी बर्ड्स का। जैसा कि मैंने कहा कि स्टडी ऑफ बर्ड्स जो है दैट इज ऑर्निथोलॉजी। आज मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस भी दिखाता जाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से। सो बर्ड्स का हैबिटेट क्या है? कि भाई बर्ड्स तो उड़ने वाले जानवर हैं, दे आर फेदर्ड क्लैड, पंख होते हैं इनमें, फेदर्स हैं। एयर ब्रीदिंग, हवा में सांस लेते हैं यानी लंग्स है। वार्म ब्लडेड, ये ध्यान रखना कि बर्ड्स एंड मैमल्स दो ऐसे एनिमल ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि वार्म ब्लडेड हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एनवायरमेंट के अनुसार फ्लक्चुएट नहीं करता है। बाइपेडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, टेट्रापॉड हैं, चार पैरों वाले, लेकिन उनके जो फोर लिम्ब्स है ना, दे हैव मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट एंड द विंग्स आर कवर्ड बाय फेदर्स। बर्ड्स जुरैसिक पीरियड में इवॉल्व हुए थे बाइपेडल डायनासोर रेप्टाइल से। हम अभी देखेंगे आर्कियोप्टेरिक्स नाम का एक बर्ड है फॉसिलाइज्ड, जो कि लिंक है, मिसिंग लिंक भी कह देते हैं, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक विच इज नो मोर बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, ये हग्जले ने कहा था। हग्जले सेड दैट बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। यंग, अनदर साइंटिस्ट यंग सेड दैट दे आर मास्टर्स ऑफ एयर। डॉक्टर सलीम अली जी का नाम याद रखिएगा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, राइट मेरे राजा बेटा। चलो जी, 338 पीपल वॉचिंग, आज का टारगेट हमारा 500 लाइक्स का है। आपके प्यारे प्यारे लाइक्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं और मुझे एनर्जी मिलती है कि आपके लिए और बेहतरीन और खूबसूरत स्लाइड्स जो है वो बना करके दिखाई जाएं, ताकि एक इंटरेक्शन बना रहे आपके साथ। देख पा रहे हैं पीछे ये खूबसूरत से बर्ड्स उड़ते हुए। आज हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स आर फाउंड इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स, इवन मैरीन बर्ड्स भी होते हैं। किसी मैरीन बर्ड का नाम बता सकते हैं आप मुझे? मैरीन बर्ड, चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग मुझे मैरीन बर्ड का नाम बता सकते हैं, बताइए जी। मोहम्मद आजिम, सलमान, तौसीफ, फिजा, युक्ता, निमय, संदीप, सदफ, बुशरा, शानू, सुमन, जयंत, अनुष्का, अनुज, पुनीता, प्रिंसी, जल्दी से बताइए जी। मैंने एक मैरीन बर्ड का नाम पूछा है वेदांत बेटा, जल्दी से देखते हैं कौन बता पाता है मैरीन बर्ड। अच्छा, उसका विंग स्पैन भी बहुत ज्यादा होता है, मैं एक क्लू भी दे पा रहा। एल्बेट्रॉस, शियान कुमार ने कहा ऑस्ट्रिच इज नॉट मैरीन बेटा, राइट। ऋषिकांत, डक मैरीन नहीं है, डक एक्वेटिक जरूर है, मैरीन नहीं है। आप बार बार बच्चे कह रहे हैं हमारा नाम लो, मेरा नाम लो, तो आप सही जवाब दो ना। आपका जवाब सही होगा तो आपका नाम ले लिया जाएगा, सिर्फ ये लिखने से थोड़ी आपका नाम अनाउंस हो जाएगा कि आप कह रहे हैं मेरा नाम लो। सॉरी, सही जवाब दो तो नाम लूंगा। पेंगुइन भी कहा है कई बच्चों ने, सही कहा है। ओके, सो दे रेंज फ्रॉम सी लेवल, समंदर में भी हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों तक भी पाए जाते हैं। बर्ड्स के पास एक बड़ी ही खूबसूरत पावर है, दैट इज द पावर ऑफ फ्लाइट, उड़ने की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, लोअर एनिमल्स की, तो केवल इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा पढ़ा था ना, इंसेक्ट्स आर द ओनली इनवर्टिब्रेट्स विच आर कैपेबल ऑफ फ्लाइट। और वर्टिब्रेट्स में बर्ड्स हैं और
बैट्स हैं, चमगादड़ जो हैं, बैट्स भी तो उड़ते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ फ्लाइट। आप देख पा रहे हैं बर्ड्स जो है इनका बॉडी टेम्परेचर, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, है ना। पूरी एनिमल किंगडम में बर्ड्स हैव द मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए इन्हें लगातार खाते भी रहना पड़ता है, सो बहुत एक्सटेंसिवली इन्हें फीड करना पड़ता है ताकि अपने शरीर को उतनी एनर्जी ये प्रोवाइड करा पाए। बर्ड्स आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स विच हैव द वार्म ब्लड, सो देयर बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड। होमियोथर्मल एनिमल्स हैं या एंडोथर्मल एनिमल्स हैं, सो वो जानवर जिनके शरीर का तापमान फिक्स रहता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अनुसार बदलता नहीं है, वो वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। सो बर्ड्स पहले वर्टिब्रेट्स हैं जो वार्म ब्लडेड हैं। दूसरे नंबर पे मैमल्स देखेंगे हम आगे। दिस प्रोवाइड्स हाई मेटाबॉलिक रेट फॉर क्विक एनर्जी। ध्यान रखिएगा पूरी एनिमल किंगडम में बर्ड्स हैव मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर। बर्ड्स और मैमल्स दो ही तो हैं वार्म ब्लडेड, सो बर्ड्स हैव मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर इन एंटायर एनिमल किंगडम। पूरी एनिमल किंगडम में बर्ड्स का शरीर का तापमान सबसे ज्यादा है, पिजन के केस में 47 डिग्री के करीब है। आप देख रहे हैं बर्ड्स दाना खा रहे हैं, तरह तरह के बर्ड्स होते हैं, देर आर इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, देर आर फिश ईटिंग बर्ड्स, ग्रेन्स पे फीड करने वाले वर्म्स पे। अच्छा मेरे पीछे देखिए एक क्वेश्चन है और एक खूबसूरत सा बर्ड भी दिखाया गया है साथ में। डॉक्टर जुनैद खान, सलमान, अंकित, वेदांत, वेदव्यास, मारिया, रूही, जियाल हक, ओके, फिजा, सलमान, अनिमेश, नैन्सी जायसवाल, ओके जी, पीछे एक क्वेश्चन लिखा है, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर दीजिए। जो बर्ड आप देख पा रहे हैं क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं? दिस इज जैपनीज ओनागाडोरी, एक तरह का मुर्गा है ये भी, और देखिए इसकी पूंछ कई मीटर तक लंबी हो सकती है। ये जो बर्ड आपको दिख रहा है ना, तब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब भी मुझे लिख के भेजेंगे। दिस इज जैपनीज ओनागा डोरी। इवोल्यूशन पढ़ाते समय मैंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इसका जिक्र किया था। हाँ जी, क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल रहा है वहां पे डी, कनीज, सुनैना, प्रणव, राहुल, डॉली, विधि, गुलनाज, युक्ता। युक्ता ने अपना नाम ही कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है ना, सो इसलिए बार बार ताकि वो नजर में आ जाए। स्ट्रेंज, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं नाम, नॉर्मल लेटर्स में उसे चेंज कीजिएगा। निधि बिल्कुल सही जवाब है जी, 400 के करीब बच्चे देख रहे हैं, दैट्स रियली वंडरफुल। कैन वी हैव 400 लाइक्स आल्सो राइट नाउ? सो बर्ड इज ट्रांसफर फ्रॉम 3 degree to 10 degree। आप गरम से ठंडा, ठंडे से गरम जो भी कर लीजिए भाई, उसके शरीर का तापमान थोड़े ना बदल जाएगा। दे हैव फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर, सो द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। ग्रेट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपने सही कहा है प्रशांत, दैट इज जैपनीज ओनागाडोरी, वंडरफुल, 404 पीपल लाइक इट। चलिए इधर देखिए एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स इज, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही चुनाव करना है कौन सा करेक्टर बर्ड्स में और मैमल्स में सिमिलर है। न्यूमेटिक बोन्स मतलब खोखली हड्डियां, बर्ड्स में हॉलो बोन्स या न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, बट मैमल्स में तो ऐसा नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल विद सम मॉडिफिकेशंस, विविपैरिटी, क्या बर्ड्स विविपैरस हैं? दे गिव बर्थ टू यंग वंस? नो। चौथा ऑप्शन वार्म ब्लडेड नेचर। क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे जल्दी से। सलमान ने, मानसी ने, गुनगुन, अनम, रोहन, वंशिका, अजीम, सुमेधा, मानसी, सचिन, दिया। बिल्कुल सही जवाब है जी, डी ऑप्शन, करेक्ट, सही कहा आपने, वार्म ब्लडेड नेचर। बर्ड्स और मैमल्स में सिमिलर पॉइंट देखना हो तो वार्म ब्लडेड नेचर है उनका। क्लियर है जी? आप देख पा रहे हैं किस तरह से हवा में उड़ता हुआ ये बर्ड पानी में से मछली निकाल करके आगे चला गया, राइट? चलिए, बर्ड्स का जो बॉडी फॉर्म है, शरीर अगर हम देखें, स्पिंडल शेप्ड है। स्पिंडल का मतलब कोई ऐसी चीज जो किनारों से पतली है, बीच में से मोटी है, क्योंकि उन्हें हवा की रेजिस्टेंस को काटते हुए आगे उड़ना है। तो शरीर स्पिंडल शेप्ड है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में बॉडी को विभाजित कर सकते हैं, डिविजिबल है बॉडी। सिर उनका छोटा होता है, राउंडेड है। गर्दन जो है हाईली मोबाइल है, आप जानते हैं बर्ड्स में नेक इज हाईली मोबाइल, और चोंच है उनमें, दांत नहीं होते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, राइट? वो अपना खाना चबा नहीं सकते हैं, बर्ड्स डोंट हैव टीथ। और उनके फोर लिम्स जो है मॉडिफाइड है विंग्स में, सो गर्दन को हाईली मोबाइल होना पड़ेगा बहुत सारे काम करने के लिए। सो नेक इज लॉन्ग, वर्टिकल एंड फ्लेक्सिबल, टेल इज शॉर्ट एंड
स्टम्पी, ये था उनका बॉडी फॉर्म इन जनरल। लिम्ब्स का अगर हम जिक्र करें, हाथ पैर का जिक्र करें, तो हैं तो टेट्रापॉड चार पैरों वाले, परंतु फोर लिम्ब्स मॉडिफाई हो चुके हैं। देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, यानी ये टेट्रापॉड्स हैं। फोर लिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए। कुछ बर्ड्स फ्लाइटलेस भी होते हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। ऑस्ट्रिच है, किवी है, ईमू है, रिया है, फ्लाइटलेस बर्ड्स, कैजोवेरी है, इनका जिक्र भी करेंगे। विंग्स आर वर्क बाय पावरफुल फ्लाइट और द ब्रेस्ट मसल्स विच आर अटैच टू स्टर्नम और द ब्रेस्ट बोन। बर्ड्स का जो स्टर्नम है उसके साथ उनके फ्लाइट मसल्स जुड़े हैं। देयर इज पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस माइनर, जिसके कारण वो उड़ पाते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। हाइंड लिम्ब्स जो होती हैं बर्ड्स की, हाइंड लिम्ब्स और द लेग्स, दे आर लार्ज। जैसे आप इस बर्ड में देख पा रहे हैं, टांगे जो है लंबी है, और वो तरह तरह के काम करने के लिए अडेप्टेड है, मॉडिफाइड है, एडजस्टेड है। कुछ बर्ड्स में वॉकिंग के लिए, कुछ में रनिंग के लिए, तेज दौड़ने के लिए। जैसे ऑस्ट्रिच जो है, इट रन्स एट अ वेरी फास्ट स्पीड, 80 किलोमीटर पर आवर के करीब। स्क्रैचिंग, पर्चिंग, स्विमिंग। डक्स वगैरह जो है, उनमें वेब्ड फीट होते हैं तैरने के लिए। ईच फुट यूजुअली बियर्स फोर क्लॉड टोड्स, चार क्लॉड पंजे जो होते, तेज बड़े नाखून, फोर क्लॉड टोड्स हैं ईच फुट में। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए, देखिए स्क्रीन पे सामने देखिए, 402 के करीब जुड़े हुए लोग, दैट्स वंडरफुल। राजेश हुडा, सलमान, तौसीफ, अनुष्का, धनंजय, वेद व्यास, शियान कुमार, सही कह रहे हैं, ऑस्ट्रिच बहुत तेजी से दौड़ता है बेटा। अर्घा खान, प्रशांत, नुसरत, अल्फाज, कैसे अल्फाज, तुम्हारा नाम आते ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। चलिए अल्फाज, जल्दी से आपकी तरफ से प्यारे प्यारे लाइक्स। जयंत सही कह रहे हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है बर्ड्स में, बिल्कुल जी। सचिन शर्मा, सुमन, रूही, अभिजीता, हां जी। देखो इधर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फेदर्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स में फेदर्स होते हैं, विंग्स के ऊपर जो है फेदर्स हैं, विंग्स को डैने बोलते हैं हिंदी में, उसके ऊपर उनके पंख हैं। सो इसमें से कौन सी बात जो है वो सही नहीं है। दीज आर मॉडिफाइड रेप्टिलियन स्केल्स, ये बात सही है। दीज इंसुलेट द बॉडी, ये बात भी सही है। दीज हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। दीज आर साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ये बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। राइट जी, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। याद रखिएगा, बर्ड्स के जो फेदर्स हैं, दे आर मॉडिफाइड स्केल्स। बर्ड्स रेप्टाइल से ही तो बने हैं, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया है। बर्ड्स की लेग्स पर स्केल्स होते हैं विच इंडिकेट देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, कि वो रेप्टाइल्स से बने हैं। मेघा, आजम, लारिप, करेक्ट है बेटा जी, राइट। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है ना, सामने जो आपको लाइक का थम्सअप दिख रहा है वो प्रेस कीजिए जल्दी से, आई नीड एनर्जी फ्रॉम यू पीपल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सही गया आपका। अच्छा, ये जो बर्ड आपको दिखाया ना मैंने, दिस इज पिटोही डाइक्राउस, इट्स द ओनली पॉइजनस बर्ड, इट्स फाउंड इन पापुआ न्यू गिनिया। इसका जो वेनम है, इसका जो पॉइजन है, वो इसके फेदर्स में होता है। इट्स अ पॉइजनस बर्ड, आप गूगल पे सर्च करेंगे द ओनली पॉइजनस बर्ड, आपको नाम मिल जाएगा, पिटोही डाइक्राउस। बर्ड्स की स्किन का जिक्र करते हैं, स्किन इनमें ड्राई है एंड डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। बर्ड्स की जो स्किन है उसमें ना ग्लैंड्स नहीं होते, रेप्टाइल्स में भी देखा था ग्लैंड्स नहीं थे, ड्राई है। एक ग्लैंड होती है बर्ड्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना राजा बेटा, यूरोपाइजियल और प्रीन ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ग्लैंड। और ये जो है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल, पूंछ के बेस पे प्रेजेंट है, और ये प्रीनिंग के काम आती है, साफ सफाई के। इट सिक्रीट्स एन ऑयली सब्सटेंस जो बर्ड्स अपनी चोंच में भर के अपने पंखों पे फैलाते हैं। आपने कई बार देखा होगा बर्ड्स कहीं भी बैठे हैं, वो मुड़ मुड़ के अपनी गर्दन ऐसे पीछे ले जा करके अपनी चोंच से अपनी पूंछ के पास कुछ पकड़ते हैं चीज, तो वो ऑयल होता है। इट सिक्रीट्स एन ऑयली सब्सटेंस विच इज स्प्रेड ऑन फेदर्स टू मेक देम वाटर प्रूफ, पंखों को साफ सफाई रखने के लिए ये प्रीन ग्लैंड होती है। क्लियर है निष्कर्ष? प्रिया, नीता, वेदव्यास, अभिषेक, जयंत, सृष्टि, सिमरन, राइट, वेरी गुड। चलिए, ब्यूटी यादव के नाम से भी एक आईडी है, ग्रेट। आपने मैसेज भी किया था मुझे, शायद चेक किया था मैंने आपका मैसेज, ग्रेट। स्किन के बारे में आगे पढ़ते हैं राजा बेटा। इधर देखिए, बर्ड्स के फेदर्स दिखाए गए हैं यहां पे, ये रहे। स्किन इज कवर्ड बाय एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन ऑफ
फेदर्स, पंख होते हैं इनमें. बर्ड्स के जो फेदर्स हैं, दे आर मॉडिफाइड स्केल्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. इट कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन और आ भी चुका है. आप देखिएगा पिछले सालों के पेपर उठा के नीट के या एपीएमटी के, कि बर्ड्स का ऐसा कौन सा फीचर है जो उनकी रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है, और वो फीचर है उनकी टांगों पे स्केल्स होना. स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन देयर लेग्स. इंपॉर्टेंट. लेग्स बियर हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स विच इंडिकेट देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री. मैंने कहा ये बात इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज ध्यान रखिएगा. राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. एंडोस्केलेटन का जिक्र करते हैं. ये वाली भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा. लारिप, तौसीफ, अंकित, सिमरन, बेदब्यास, सर्वेश, सलमान, सुमन, सुनो. एंडोस्केलेटन जो होता है ना बर्ड्स का, अब देखो उन्हें उड़ना है. उड़ने के लिए शरीर का जो वजन है, भार जो है, वो कम से कम होना चाहिए. सो ऑलमोस्ट उनके शरीर का हर सिस्टम किसी न किसी तरह से एडजस्टेड है टू मिनिमाइज द बॉडी वेट, खास करके हड्डियां. हड्डियों का तो भार ज्यादा होता है, सो भाई फिर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन होनी चाहिए. स्केलेटन ऑसिफाइड है, लेकिन हड्डियां जो है वो खोखली हैं. बोन्स आर न्यूमैटिक. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. न्यूमैटिक बोन्स के कारण जो वजन है शरीर का वो कम हो जाता है, ताकि अगेंस्ट द ग्रेविटी अपने आप को उठा करके वो उड़ सके. इनके आरबीसीज जो है ना लिवर में बनते हैं. इराइथ्रोपोएसिस अकर्स इन लिवर. लॉन्ग बोन्स न्यूमैटिक होती हैं. स्कल मोनोकोंडाइलिक है, मतलब सिंगल ऑसिपिटल कोंडाइल है. मैंने बताया था एम्फीबियंस और मैमल्स में डाइकोंडाइलिक है, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है. सूचर्स इनडिस्टिंक्ट होते हैं. सूचर्स इतने डिस्टिंक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है. और नेक हाईली मोबाइल है. इनके जो पहले दो वर्टिब्रा हैं एटलस एक्सिस, स्पेशलाइज्ड फॉर सपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ द हेड. क्योंकि फोरलिम्स जो है वो विंग्स बन चुके हैं, तो गर्दन को हाईली मोबाइल होना पड़ेगा बहुत सारे काम करने के लिए. राइट जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है. बर्ड्स के केस में ना जो स्टर्नम होती है उनकी, हमारे में स्टर्नम क्या है, ये जो सेंट्रल बोन है स्टर्नम, जहां पे रिब्स जुड़ी हैं. बर्ड्स की स्टर्नम के साथ आगे को बढ़ा हुआ एक और प्रोजेक्शन होता है, कील कहते हैं उसे, या कैरीना कहते हैं. स्टर्नम इज लार्ज एंड विद अ मीडियन कील और कैरीना फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स. यहां पे आके इनके इंपॉर्टेंट मसल्स जुड़ते हैं जो कि उन्हें उड़ने की शक्ति देते हैं. यह भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शरीर का वजन कम करना है तो बहुत सारे वर्टिब्रा और हड्डियां आपस में फ्यूज्ड होती हैं. पूंछ में, टेल में जो वर्टिब्रा होते हैं, टेल वर्टिब्रे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ सिंगल बोन. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिंगल बोन? पाइगोस्टाइल. इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूं आगे. ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट. और दूसरा सिंसेक्रम भी इंपॉर्टेंट है. पोस्टीरियर थोरेसिक लंबर सेक्रल वर्टिब्रे, दे आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ सिंगल बोन कॉल्ड सिंसेक्रम. देखो भाई, एंडोस्केलेटन से रिलेटेड जो बातें याद रखने वाली हैं, हड्डियां ऑसिफाइड है, मतलब कार्टिलेजनस नहीं है, बोन्स हैं वो, राइट. दूसरी बात, न्यूमैटिक है, खोखली हड्डियां हैं, ताकि शरीर का वजन कम हो. शरीर के कई जगहों पे बोन्स आपस में फ्यूज्ड हैं, जिसमें एग्जांपल टेल रीजन के वर्टिब्रा फ्यूज होके पाइगोस्टाइल बना देते हैं. जो स्टर्नम है उसमें कील होती है आगे, ऐसे बड़ी हुई एक प्रोजेक्शन जहां पे फ्लाइट मसल्स जुड़ते हैं. इसके अलावा सिंसेक्रम, वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रास के नाम याद है ना, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकाइजियल. तो कोकाइजियल ने तो फ्यूज होके पाइगोस्टाइल बना दिया, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल ने फ्यूज होके सिंसेक्रम बना दिया. ये टेक्निकल टर्म्स मेरे राजा बेटा आप याद रखेंगे. सिंसेक्रम, कील, कैरीना, पाइगोस्टाइल. बताइए जी, कपाट खुल रहे हैं दिमाग के, समझ आ गई ये चीजें? कोई खतरनाक नहीं है. प्रिया, सचिन शर्मा कह रहे हैं जी बिल्कुल जहर क्लियर है, वंडरफुल. मंतशा, नैन्सी, प्रिया, साक्षी, सुमन, शायक, मनोज, मौसमी, सेतु सिंह, क्लियर हो रहा है जी. 450 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वंडरफुल. कैन आई हैव 450 लाइक्स ऑल्सो राइट नाउ? ग्रेट, दिमाग में जा रही है चीजें, कपाट खुल रहे हैं, समझ आ रहा है सब कुछ, वंडरफुल. इससे ज्यादा आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए. ये ब्यूटीफुल नोट्स आपको मिल जाएंगे जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब पे. एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें एक लिंक होगा,
लिंक पे क्लिक कीजिएगा, नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। जो बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं हमें, आप हमें ढूंढ सकते हैं सिंपली sachin.kapoor इंस्टाग्राम पे आप हमें मिल जाएंगे। हैशटैग नीट लाइव डेली के साथ, ये हैशटैग है, हैशटैग नीट लाइव डेली, आप हमें सोशल मीडिया पे टैग कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ू, एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, देखो इधर राजा बेटा क्वेश्चन देखो। सत्यम क्वेश्चन क्या है, मैं बोल रहा हूं ये आउल है, आउल का जो जूलॉजिकल नेम होता है दैट इज ब्यूबो। ओके, पेल्विक गर्डल ऑफ बर्ड्स इज अटैच्ड टू अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ लास्ट थोरेसिक ऑल लंबर एंड फर्स्ट फाइव कॉडल वर्टिब्रे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंसेक्रम सिंफाइसिस फर्क्यूला सिंपेलविस। बताइए जी क्वेश्चन का जवाब आ रहा है ए, कीर्ति ने, आजम ने, संदीप, डॉली, वेदव्यास, अनुष्का, निमय, फिजा, हार्दिक। सही जवाब है जी आपका सर्वेश, रूही। क्लियर क्लियर, बिल्कुल सही कहा आपने, सिंसेक्रम। तो राजा बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, साथ के साथ हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं आने वाले सारे सेशंस में ऐसा ही रखूंगा आपके साथ। नेक्स्ट, बोथ क्लेविकल्स एंड सिंगल इंटर क्लेविकल दे आर फ्यूज टू फॉर्म अ वाई शेप्ड बोन, बर्ड्स में विश बोन या मैरी थॉट बोन होती है। क्लेविकल्स क्या है, हमारी यहां पे ये जो कॉलर बोन्स है ना, ऐसा उनमें भी क्लेविकल्स है। सो दोनों क्लेविकल और सिंगल इंटर क्लेविकल मिलके एक इस शेप की बोन बनाते हैं बर्ड्स में, जिसको विश बोन कहते हैं या मैरी थॉट बोन भी कहते हैं या फर्क्यूला भी कहते हैं। सो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्क्यूला नाम की बोन कौन से जानवरों में पाई जाती है, बर्ड्स में। क्लियर राइट, विशबोन क्यों कहते हैं अभी आगे हम देखेंगे। साक्षी, मानस, वंशिका, देखते हैं जी आगे। चलिए ये देखो, विशबोन इन बर्ड्स इज क्वेश्चन, पाइगोस्टाइल सिंसेक्रम फर्क्यूला कैरिना, बताओ जल्दी से। देखो ये विशबोन को एक तरफ से एक इंसान खींच रहा है, एक दूसरा, जब आप इसे तोड़ते हैं जिसके पास ज्यादा हिस्सा आ जाएगा उसकी विश पूरी हो जाएगी, भाई ऐसा कहा जाता है। हां जी सिमरन जी, अल्फाज, तौसीफ, वेदव्यास, जयंत, हर्षदीप, पंकज, विनोद, कीर्ति, मारिया, देवद्रिता, आई एम सॉरी, अर्घा, सुमित, इशु, हां जी बोलिए जी। क्लियर, फर्क्यूला, बिल्कुल सही कहा बच्चों ने, सही जवाब दिया है, दैट्स ग्रेट राइट। सो द आंसर इज फर्क्यूला, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। पाइगोस्टाइल क्या था, टेल वर्टिब्रा फ्यूज्ड है। सिंसेक्रम क्या है, पोस्टीरियर थोरेसिक लंबर सेक्रल वर्टिब्रा फ्यूज्ड है। कैरिना या कील क्या है, स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ जो एक एक्सटेंशन है। बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम का जिक्र करते हैं, भाई वेराइटी ऑफ बर्ड्स है, बहुत सारी चीजें खाते हैं बर्ड्स, बीज खाने वाले, फल खाने वाले, फ्लैश टियरिंग, नेक्टर सिपिंग, वुड चिजलिंग, ग्रेन पिकिंग, इंसेक्ट कैचिंग। बर्ड्स का फीडिंग हैबिट बहुत अलग अलग तरह का, ओमनिवोरस कह दीजिए राइट। नाउ जॉ बोन्स आर प्रोलॉन्ग्ड इनटू अ टूथलेस बीक। बर्ड्स में दांत नहीं होते हैं, बर्ड्स की ऐसे चोंच होती है। और क्या आप जानते हैं कि कौन सी चोंच चलती है, विच बीक इज मूवेबल, इज इट लोअर बीक, इज इट अपर बीक, इज इट बोथ। बर्ड्स में कौन सी बीक मूवेबल है, मेरा सवाल ये है, लोअर या अपर या दोनों, आप जवाब देंगे। बीक को कवर करता हुआ कैरेटिन प्रोटीन से बना हुआ एक कवरिंग है, एक शीथ है, जिसे रैम्फोथीका कहते हैं। बर्ड्स की चोंच अगर काट दी जाए तो वो रीजेनरेट हो जाती है, बर्ड्स कैन रीजेनरेट देयर बीक। बताइए वुडपैकर दिख रहा है आपको, मैंने क्या बोला है, बर्ड्स में लोअर, बिल्कुल नैन्सी ने कहा लोअर, शायक कह रहे हैं अपर, अपर इज द रॉन्ग आंसर, लोअर बीक, लोअर बोथ नहीं चलती हैं। आप देखिए हमारा भी तो लोअर जॉ चल रहा है ना, बर्ड्स में भी लोअर बीक मूवेबल है। पैरट की चोंच देखिएगा, पैरट के केस में अपर बीक इज मूवेबल राइट मेरे राजा बेटा। सो बर्ड्स की चोंच अगर काट दी जाए, बर्ड्स अपनी चोंच रीजेनरेट कर लेते हैं,
Birds can regenerate their beak. पोल्ट्री फॉर्म्स में जहां पे मुर्गियां पाली जाती हैं, पीरियोडिकली उनकी चोंच कटवानी पड़ती है, नहीं तो वो अपनी तीखी चोंच मार मार के अपने ही अड्डे फोड़ देती हैं और लड़ाई करके एक दूसरे को भी जख्मी कर देती हैं। सो पोल्ट्री फॉर्म्स में जहां पे मुर्गियां पाली जाती हैं, उनकी चोंच पीरियोडिकली काटनी पड़ती है, वरना वो अपने ही अंडे तोड़ डालेंगी। बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, खाना वो चबा नहीं सकते, स्वलो करते हैं। फूड इज स्वेलोड अनमेस्टिकेटेड विदाउट च्यूइंग, क्यों? क्योंकि उनमें दांत नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल में कुछ एडिशनल चैम्बर्स हैं, क्रॉप और गिजर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉप एंड गिजर्ड नाम के चैम्बर्स आप कॉकरोच में भी पढ़ेंगे, राइट? इवन अर्थवर्म में भी आपने देखा होगा, गिजर्ड एक हाईली मस्कुलर चैम्बर है, ग्रिजर्ड, जो ग्राइंडिंग मशीन की तरह काम करता है। क्रॉप क्या है? ईसोफेगस स्वोलन है टू फॉर्म क्रॉप फॉर क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज। क्रॉप जो है फूड को सॉफ्ट भी कर देता है। सो क्रॉप जो है मेनली एक स्टोरेज चैम्बर है। आपने देखा ये पेलिकन्स जो होती है, बड़ी बड़ी मछलियां खा जाती है, ऐसे सीधा मुंह में गटक लिया और फिर बेचारी तड़पती हुई वो जिंदा मछली उनके पेट में पहुंचेगी और वहां पे जाकर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। बर्ड्स खाना नहीं चबाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बर्ड्स जो है, पेरेंट बर्ड्स देखिए अपने छोटे बेबीज को कैसे फीड कराते हैं। ये वर्म है, अर्थवर्म जैसे पकड़ा इसने, छोटे से बच्चे के मुंह में ला करके उन्होंने डाला है। और पिजन में आपने पिजन्स मिल्क भी सुना होगा, ग्रेन्स वो खा लेते हैं और फिर वापस उसे वॉमिट आउट करते हैं, उनके गिजर्ड में ग्राइंडिंग होता है। कई बर्ड्स छोटे छोटे पत्थर भी खा लेते हैं, पेबल्स, वो उनके गिजर्ड में जाके फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। पिजन्स मिल्क चेक कीजिएगा क्या होता है, वो वॉमिट आउट जब करते हैं बच्चे के मुंह में, दैट इज मिल्की सिक्रीशन, इट इज नॉट एक्चुअल मिल्क। स्टमक जो है दैट इज डिवाइडेड इंटू ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस एंड मस्कुलर गिजर्ड। तो गिजर्ड जो होता है राजा बेटा ग्राइंडिंग मशीन की तरह काम करता है, फूड को ग्राइंड करता है। सम बर्ड्स कीप स्टोन्स इन देयर गिजर्ड टू इफेक्टिवली क्रश द सीड्स एंड ग्रेन्स। एलिमेंट्री कैनाल की कॉमन ओपनिंग है क्लोएका। क्लोएका वर्ड हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड पास होगा, क्लोएका के थ्रू यूरिन भी पास होगा। ये यूरिकोटैलिक होते हैं, बर्ड्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, रेप्टाइल्स भी यूरिकोटैलिक थे, इंसेक्ट्स भी यूरिकोटैलिक हमने पढ़ा, और क्लोएका के थ्रू ही रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स भी वो रिलीज करते हैं। सना खान, अनुष्का, दीपक, नैन्सी, तौसीफ, तान्या, वेदव्यास, निमय, राइट जी, ऋतु, सुमन, क्लियर है, राइट? चलिए आगे बढ़े बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं जी। एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, रेक्टल सीके आर प्रेजेंट। क्लोएका में चैम्बर्स होते हैं। फर्दर रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है बर्ड्स का। बर्ड्स में लंग्स हैं और लंग्स में एयर सैक्स होते हैं। बर्ड्स की खास बात है कि ब्रीदिंग जो है इनका लंग्स के थ्रू है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, लंग्स में एयर सैक्स होते हैं। लंग्स इनके स्पॉन्जी हैं, इन इलास्टिक है। एयर सैक्स होने से इनको फायदा है, एक तो बॉयंसी मिलती। एयर सैक्स वैस्कुलर नहीं होते, गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा वहां पे, एयर सैक्स उनकी हड्डियों तक भी घुसे होते, शरीर को लाइट बना के रखते, एक बॉयंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एयर सैक्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए आप यहां पे बर्ड्स के एयर सैक्स देख पा रहे हैं, राइट जी, एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक्स, दीज आर द पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक्स। यहां पे भी आपको बर्ड के एयर सैक्स दिखाए गए हैं। बर्ड्स में जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है दैट इज सीरिंग्स। वोकल कॉर्ड्स नहीं होते हैं लैरिंग्स में, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सीरिंग्स है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सीरिंग्स सिर्फ फ्लाइटलेस बर्ड्स में नहीं है, लेकिन बाकी बर्ड्स में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, सीरिंग्स। बर्ड्स आपने देखा होगा अलग अलग तरह के गाने गाते हैं, आवाजें निकालते हैं, चहचहाते हैं, हर बर्ड की अपनी एक यूनिक आवाज होती है, राइट? सीरिंग्स ध्यान रखना है राजा बेटा। चलो जी अगला, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारे पास एक ऐसी क्लास आई है, क्लास एव्स, जहां पे हार्ट हमें फोर चैम्बर्ड मिला है। एक तो हार्ट बीट भी बड़ा तेज होता है, बर्ड्स का दिल बड़ी तेजी से धड़कता है क्योंकि वो वार्म ब्लडेड है, उनको बड़ी एनर्जी चाहिए, शरीर को गर्म रखना है, कॉन्टिन्यूसली तेजी से ब्लड दौड़ते रहना चाहिए।
वार्म ब्लडेड हैं एनिमल्स, हार्ट कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड है, यानी दो ऑरिकल्स हैं और दो वेंट्रिकल हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेटेड है, जैसा हमारे में है, है ना। लंग्स के थ्रू ब्लड ऑक्सीजनेट होके वापस जो है हार्ट में आता है और बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होता है। पूरी एनिमल किंगडम में बर्ड्स जो है, वी हैव मंतशा, मोहम्मद साकिब, रूही, वंशिका, विधि, क्लियर हो रहा है विधि, तौसीफ, एकदम क्लियर है सब कुछ, सृष्टि, नैन्सी, सुमन, अंशिका, फिजा, ग्रेट। कुछ बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं चैट्स पे, ये मत समझिएगा कि उनको कुछ कम अटेंशन मिल रही है यहाँ पे, आई डू अंडरस्टैंड। कुछ लोग सिर्फ लेक्चर पे फोकस करते हैं, चैट नहीं करते हैं, बाद में उन्हें कोई कमेंट करना होता है तो वो यूट्यूब पे जब अपलोड होता है कमेंट करते हैं। मैं चाहूंगा आप सब लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिया कीजिए, एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए वो एक मोटिवेशन होती है, वो एक फीडबैक होता है आपकी तरफ से। स्वरूप जी क्लियर है, राजा बेटा, अनु यादव, सोनू, निजामुद्दीन अंसारी, अब चेक कीजिएगा पिजन्स मिल्क जो मैंने आपसे कहा है। साइनस विनोसिस और ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो एडिशनल चैम्बर्स हैं वो नहीं होते। रीनल पोर्टल सिस्टम ग्रेटली रिड्यूस्ड है, मैंने बताया था जिन एनिमल्स में कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, हार्ट फोर चैम्बर जहां पे होता है वहां रीनल पोर्टल सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। पूरी एनिमल किंगडम में बर्ड्स हैव रिचेस्ट ब्लड। रिचेस्ट ब्लड का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी पर यूनिट ब्लड, that is richest blood, मतलब maximum, ये देखो लिखा है ना, that is they have maximum number of RBCs per unit blood, RBCs by convex or nucleated है, clear है जी blood के बारे में। अच्छा अब ये question देखो एक फिर से आपके सामने है, जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप इस question का जवाब देंगे जी। तौसीफ, प्रिंसी, रुचि, मोहम्मद मुस्तफा, राम प्रकाश, विवेक, स्वरूप, सना खान, ब्यूटी, मोहम्मद मुस्तफा जी, फिजा अंसारी, तरुण, ग्रेट जी, 435 पीपल, मोर देन दैट आई थिंक इट वाज। पिजन्स मिल्क आल्सो नोन एज क्रॉप मिल्क इज अ सिक्रीशन दैट इज रीगर्जिटेटेड टू यंग बर्ड्स, सम बर्ड्स प्रोड्यूस अ क्रॉप मिल्क। देखिए जल्दी से मैंने आपका मैसेज पढ़ भी लिया, हालांकि आपने गूगल से कॉपी पेस्ट करके भेजा था, बट आई एम हैप्पी आपने एफर्ट करा। क्वेश्चन का जवाब दीजिए राजा बेटा जो आपके सामने स्क्रीन पे है। देवद्रिता दत्ता ने सही कहा है सी, सचिन शर्मा ने भी सी कहा है। ब्लड ऑफ बर्ड्स इज नोन टू बी रिचेस्ट इन द एनिमल किंगडम, क्यों? इट हैज मोर एल्ब्यूमिन इन प्लाज्मा, नो। इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, नो। इट हैज मोर आरबीसीज पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, लास्ट ऑप्शन वाज प्लाज्मा इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सो इस तरह का क्वेश्चन मेरे राजा बेटा फ्रेम हो सकता है यहां से, क्लियर है जी, राइट right? चलो आगे देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए राजा बेटा किडनीज होती हैं इनमें। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इज बाय पेयर ऑफ किडनीज। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट, कुछ एक बर्ड्स हैं आप देखेंगे उनमें प्रेजेंट है, एक्सेप्शंस हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स यूरिक एसिड बनाते हैं, बर्ड्स अंडे देते हैं, शेल्ड एग्स होते हैं। नर्वस सिस्टम में 12 pairs of cranial nerves, ये मैंने बताया था जो amniotes हैं, reptiles, birds, mammals, इनमें 12 pair होते हैं cranial nerves के। Fishes, amphibians में 10 pair थे cranial nerves के। Brain is large with well-developed optic lobes and cerebellum. Cerebellum उड़ना है, balance, equilibrium बना के रखना है। Sense of smell इतनी develop नहीं होती, it is poor. Kiwi, kiwi एक bird है, kiwi uses एटेरिक्स जो है, किवी यूजेस सेंस ऑफ स्मेल फॉर फाइंडिंग फूड, अपना भोजन ढूंढने के लिए किवी जो है सेंस ऑफ स्मेल यूज करती है। किवी इज फाउंड इन न्यूजीलैंड, इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, शाय बर्ड, जेट ब्लैक इन कलर। आईज में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है बर्ड्स में। पेक्टन, पेक्टन इंपॉर्टेंट है बर्ड्स की आंखों में, ये एक यूनिक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है कंघी जैसा। इट इज हाईली वेस्कुलर, हैंगिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू आईबॉल। ईयर में एक्सटर्नल ओपनिंग है एंड ऑर्गन ऑफ कॉटाई प्रेजेंट है। सो यहां पे याद रखने वाली बात, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है और पेक्टन है। पेक्टन इज एब्सेंट इन आईज ऑफ किवी, ये ध्यान रखना, पेक्टन इज एब्सेंट इन आईज ऑफ कीवी। कीवी का जूलॉजिकल नेम है एटेरिक्स, राइट मेरे बच्चे। चलो यही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो चांस की बात है, जो बात मैंने बोली वो आपके सामने स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म में है। सुमन आपने ठीक कहा क्रेनियल नर्व्स के लिए। तौसीफ, वेदव्यास, जयंत, अदनान, आयुष्मान, कृष्णा, मेघा, निशांत, जल्दी से धनंजय, आयुष्मान, अदनान, क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपके सामने है। 500 हमारा टारगेट है जी लाइक्स का, जल्दी से 500 बचाइए। हां जी,
सुमन कमरान क्वेश्चन सामने है जी. लारिब ने कहा सी वेरी गुड. पैक्टन इज एब्सेंट इन द आईज ऑफ एटेरिक्स. व्हाट इज एटेरिक्स? कीवी. कीवी यूजेस सेंस ऑफ स्मेल फॉर फाइंडिंग फूड. कीवी की जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो टिप ऑफ द उसकी जो बिल है चोंच जो है उसकी टिप पे लोकेटेड होती हैं. बर्ड्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिक्र करते हैं कि कितना खूबसूरत सा है जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर जो है पीकॉक जो है पावो क्रिस्टेटस जिसे हम जुआलॉजिकली कहते हैं. सो बर्ड्स में सेक्सेस सेपरेट है मेल और फीमेल बर्ड अलग है एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. आप देख के पहचान सकते हैं मेल बर्ड है फीमेल बर्ड है. मेल जो है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है. मेल का प्लूमेज उसके पंख उसकी कलगी कॉम्ब वेटल वो सब होता है. फीमेल ऐसी नहीं है. आपने मोर और मोरनी में डिफरेंस देखा होगा. मोर ज्यादा खूबसूरत होता है विद दिस ब्यूटीफुल प्लूमेज. इनफैक्ट पूरी एनिमल किंगडम में आप देखेंगे इट्स द मेल एनिमल विच इज मोर ब्यूटीफुल एंड नॉट द फीमेल. बट इन ह्यूमंस इट इज ऑपोजिट. इसका भी रीजन एवोल्यूशन में कि ह्यूमन इवोल्यूशन होते होते ऐसा क्यों हो गया है कि जो ब्यूटी वाला एस्पेक्ट है वो हम फीमेल के साथ एसोसिएट करते हैं. राइट जी. चलिए सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज वेल मार्क्ड. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल बर्ड को आप देख के पहचान जाए. मोर और मोरनी को देख के पहचान सकते हैं. मुर्गा और मुर्गी देख के आप पहचान सकते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल है. बर्ड्स में कोई स्क्रॉटम नहीं है. स्क्रॉटम तो मैमल्स का ही फीचर होता है. कॉप्युलेटरी ऑर्गन नहीं होते बर्ड्स में. मेल लैक्स अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन. फ्लाइटलेस बर्ड्स में आप पढ़ेंगे कि कॉप्युलेटरी ऑर्गन होते हैं. लिखा है ना एक्सेप्ट इन फ्लाइटलेस बर्ड्स डक्स एंड गीज इनमें कॉप्युलेटरी ऑर्गन होते हैं. फीमेल के केस में ओवरीज है इंटरनल. अच्छा यहां ध्यान रखने वाली बात है फीमेल हैज सिंगल फंक्शनल लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट. राइट ओवरी जो है और राइट साइड की ओविडक्ट जो है वो या तो फंक्शनल नहीं होती रूडिमेंट्री है या फिर एब्सेंट होती है. कॉमन ओपनिंग क्लोएका होती है इनमें. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. बर्ड्स में कोर्टशिप होता है कॉपुलेशन होता है. मेल फीमेल बर्ड एक दूसरे को रिझाते हैं एक्चुअल सेक्सुअल कॉपुलेशन से पहले. राइट. और कॉपुलेशन जो है क्लोइकल अपोजिशन से. क्लोइका के थ्रू गैमेट्स जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं. बर्ड्स ओवीपैरस है अंडे देते हैं. अंडों में लार्ज अमाउंट में योक है. कैलकेरियस शेल से कवर्ड होते हैं. इंक्यूबेट करने पड़ते हैं. आपने देखा होगा बर्ड्स जो है अपने अंडों पे बैठते हैं उन्हें इंक्यूबेट करते हैं. एक डेफिनेट तापमान देते हैं ताकि एग्स में से उनका जो यंग वन है वो हैच आउट कर पाए. क्लियर है जी राजा बेटा. राइट. वी हैव 496 लाइक्स. लेट्स मेक इट 500. कम ऑन क्विकली. हाँ जी स्वरूप ये जो लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होने का रीजन है ना शरीर का वजन कम करना. मैंने आपको बोला ना ज्यादातर ऑर्गन्स एडजस्टेड है इसी चीज के लिए कि उड़ने में मदद मिल सके भार कम हो जाएगा. राइट जी. सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ उनमें एडजस्टमेंट है अडेप्टेशन है कि भार जो है उनका कम से कम हो. डेवलपमेंट का जिक्र करें डायरेक्ट है कोई लार्वल स्टेज नहीं है. पेरेंटल केयर होती है इनमें. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है. एमनियन कोरियन योक सैक एंड एलेंटॉइस. बर्ड्स अपने बच्चों की देखभाल भी करते हैं. और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आपको मैंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाते समय बताया है. जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है इन मेम्ब्रेन्स के बारे में आप क्लास 12th का प्लेलिस्ट जरूर देखिए हमारा. क्लास 12th के प्लेलिस्ट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. राइट जी. शहजान कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है. अमरजीत ठीक कहा आपने. अमरजीत भाटिया मैक्रोलेसिथल एग्स या मेगालेसिथल एग्स वो होते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट में योक होता है. अंकिता क्लोइका एक कॉमन ओपनिंग है जहां से अंडे भी देंगे यूरिन भी पास आउट करेंगे एक्सक्रीटा भी पास आउट करेंगे. सो क्लोइका कोई एक्सक्लूसिवली उसका पार्ट नहीं है रिप्रोडक्टिव का. शियान कुमार थैंक यू सो मच. संदीप कह रहे हैं जी मजा आ गया. सुनैना क्लियर है बिल्कुल. वेरी गुड. थैंक यू सो मच जी. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चंस और भी डिस्कस करने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हैं मेरे पास. जाइएगा नहीं कहीं भी. एडवांसमेंट ओवर रेप्टाइल्स. अगर रेप्टाइल्स के कंपैरिजन में इनके एडवांस फीचर्स देखे जाए तो वार्म बॉडी टेम्परेचर लाइट इंसुलेटिंग कोट ऑफ फेदर्स कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आंखें कान ज्यादा एफिशियंट हैं हाई मेटाबॉलिक रेट है इनका. राइट. बर्ड्स का मेटाबॉलिक रेट हाई है और इनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा होता है. आपको पता है तोते का लाइफ स्पैन कितना होता है क्या मुझे आप बताएंगे. व्हाट इज द लाइफ स्पैन. यश गुप्ता थैंक यू सो मच. पैरेट का लाइफ स्पैन सुगाली नाम से एक आईडी है उन्होंने पूछा है कौन से एग्स मैक्रोलेसिथल लार्ज अमाउंट ऑफ योक. हाँ जी जल्दी से बताइए मैंने क्या पूछा है. पैरट का लाइफ स्पैन रत्ना वर्मा अदनान बताइए जी.
थैंक यू सो मच जी, कपाट खुल गए जी, अध्यय प्रकाश कह रहे हैं कपाट खुल गए। बोलिए जल्दी से। स्वाति जयंत 140 साल, कमरान सैफी ने कहा बिल्कुल सही जवाब, तोते का लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, तो ये मत सोचिए कि जिस जानवर का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो होगा जैसे रेप्टाइल्स का, तो उन्हीं का लाइफ स्पैन लंबा होगा। कछुए वगैरह जो है मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो है ना, लाइफ स्पैन लंबा है, बट बर्ड्स में तो उल्टी बात हो गई है, लाइफ स्पैन जो है ज्यादा है, मेटाबॉलिक रेट भी हाई है। चलो क्विकली अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो क्लास एव्स है ना, इसको दो मेन सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, आर्कियोर्निथीज एंड नी ऑर्निथीज। एक हल्का सा आइडिया रखना इसका। आर्कियोर्निथीज में आर्कियोप्टेरिक्स सुना है ना हमने, आर्कियोप्टेरिक्स का पूरा नाम है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, जिसको कि एक मिसिंग लिंक माना जाता है बिटवीन व्हाट, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इट्स फॉसिल वाज डिस्कवर्ड बाय एंड्रियस वैगनर फ्रॉम बवेरिया व्हिच इज इन जर्मनी। इसमें एक्सटिंक्ट टूथ्ड बर्ड्स आते थे जिनमें लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट है। नी ऑर्निथीज डिवीजन में मॉडर्न बर्ड्स हैं जो कि ज्यादातर तो उड़ सकते हैं, जैसे पिजन। जूलॉजिकल नेम याद रखने जो जो एनसीईआरटी में दिए, कोलंबा इज पिजन, कॉर्वस इज क्रो, कौआ। नाउ आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में क्वेश्चन है आपके सामने। इसका जो फॉसिल हमें मिला है ना, दैट इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इंप्रेशन ऑन अ सेडिमेंटरी रॉक। The fossil was discovered by Andreas Wagner from Bavaria and it is kept in British Museum, London. जल्दी से देखिए आर्कियोप्टेरिक्स वाले क्वेश्चन का जवाब क्या है। 523 लाइक्स, दैट्स वंडरफुल। देखिए जी, आर्कियोप्टेरिक्स वाज एंशिएंट क्लाइंबिंग मैमल, नो। लार्ज हर्बीवोरस डायनासोर, नो। इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड डायनासोर्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी देवद्रता ने सही कहा है, बिल्कुल सही। राइट जी, ऋषभ चौधरी ने 120 ईयर्स पैरट का लाइफ स्पैन बताया, ठीक है। अच्छा, नी ऑर्निथीज जो है मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स, फिर से इनकी तीन डिवीजन है मॉडर्न बर्ड्स की। इसमें से रेटिटेड डिवीजन जो है ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बिग साइज फ्लाइटलेस बर्ड्स, राइट जी, जिसमें ऑयल ग्लैंड एब्सेंट एक्सेप्ट किवी एंड टीनामस, उनमें ऑयल ग्लैंड होती है, इनमें सीरिंग्स नहीं होता। मेल हैज अ पीनस कॉपुलेटरी ऑर्गन, फीमेल हैज क्लाइटोरिस। तो यहां पे रेटिटेड डिवीजन में फ्लाइटलेस बर्ड आ जाएंगे, जैसे स्ट्रुथियो है, रिया है, कीवी है, कैजोवेरी है, ईमू है, ये सब इसमें आएंगे। डोडो इज रिसेंटली एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड। डोडो मॉरिशियस आइलैंड में पाया जाता था, जब वहां पे पुर्तगाली लोग आए, पोर्चुगीज आए, वो अपने साथ पिग्स और मंकीज लेके आए। डोडो बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ इट्स फियरलेसनेस एंड फुलिश बिहेवियर। डोडो को ये नहीं पता था कि पिग्स और मंकीज उसके लिए नुकसानदायक होंगे, वो बेझिझक उनके सामने चला जाता था, पिग्स और मंकीज उसे मार करके खा गए। राइट जी, चलिए इम्पेने में आते हैं पानी में रहने वाले फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे कि पेंगुइन। जूलॉजिकल नेम याद रखना है एप्टिनोडायट्स। इनमें चमड़ी के नीचे थिक लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट होती है, बड़े ठंडे पानी में है ना, वो बिल्कुल बर्फीले पानी में बचा के रखना है उन्हें अपने आप को। कारिनेटे ग्रुप में आते हैं उड़ने वाले बर्ड्स, स्मॉल साइज बर्ड्स, ऑयल ग्लैंड जिनमें प्रेजेंट होती है, कुछ कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। ये सारे नाम एनसीईआरटी में है। पासर स्पैरो, सिटाकुला पैरट, पावो क्रिस्टेटस पीकॉक, नियोफ्रॉन वल्चर, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जर्नली मैं आपको कहता हूं क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पे बर्ड्स के केस में राजा बेटा ध्यान रखिएगा बिल्कुल। बाबू तुलसी तान्या तौसीफ युक्ता तीर्थ, ब्यूटीफुल नेम, रिधा राम प्रकाश शियान सचिन विधि, यस डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है राजा बेटा। चलो जी आगे देखते हैं। अब ये खूबसूरत से बड़े इधर आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच is the largest flightless bird, Struthio. It runs at a speed of 80 kilometers per hour. Ostrich ka jo unfertilized egg of ostrich is the largest single cell. Ostrich ka vajan 150 kilo tak ho sakta hai. Ek ande ka bhar lagbhag 1.5 kilo. Ostrich polygamous hai. One male lives in the company of many females, but male ostrich incubates the eggs. Aksar aisa mana jata hai ki ostriches jo hai wo khatra dekh ke apna sir ret mein chupa lete hain. Aisa nahi hai. Wo ret mein chupa hua food dhoondte hain apna. Ostrich zebra ke jhund ke aaspaas rehte hain. यहां पे आप पेंगुइन्स देख पा रहे हैं अपने पैरों के पास अपने अंडे रख के चलती हैं। राइट जी, चिड़िया देखी आपने, तोते देखे हैं यहां पे, ब्यूटीफुल। राइट नाउ यहां पे आप देखिए आपको पावो क्रिस्टेटस जो हम कह रहे थे बर्ड। राइट जी, ईगल भी देख पा रहे हैं आप इधर, गिद्ध था सॉरी वल्चर था। यहां देखिए ये क्वेश्चन, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज इट पावो कोलंबा कॉर्वस सिटाकुला। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, जल्दी से द आंसर विल बी व्हाट, पावो क्रिस्टेटस। राइट,
चलिए मजा आ गया ना लेक्चर में, ग्रेट। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आज आपको बहुत मजा आने वाला है इस ब्यूटीफुल लेक्चर में। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ब्यूटीफुल लेक्चर्स आपके साथ लेके आएंगे। और कल सेम टाइम पे 4 बजे क्लास मैमेलिया, मैमल्स के बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हैशटैग नीट लाइव डेली के साथ आप हमारे लेक्चर्स को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, हमें आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। मैंने आपसे बोला इंस्टाग्राम के लिए sachin.kapoor KAPUR, नमोकॉल सर को आप ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, अश्विनी त्यागी सर को, महेंद्र सर को। PDF आपको इसका मिल जाएगा, जो ब्यूटीफुल नोट्स हैं, जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहेगा यूट्यूब पर। बहुत मजा आया ना, वंडरफुल। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी JEE, जूनियर क्लासेस के लिए अनअकैडमी फाउंडेशन। क्लास 11th के टॉपिक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जैसे कल ट्यूसडे है तो कल हम पढ़ेंगे क्लास में मेलिया, राइट जी। क्लास 12th के टॉपिक फ्राइडे सैटरडे एंड संडेज। सचिन लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा अगर आप हमारे बैचेस में आकर के हमसे पढ़ना चाहते हैं, सिंगल कोड आपके लिए सारे ताले खोल देगा, सभी एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा आप चाहे क्लास 11th में तो भी ये कोड चलेगा, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है, 2 ईयर का, जितनी भी देर का सब्सक्रिप्शन लेना है, कोड सेम रहेगा, फायदे सेम रहेंगे। और कहीं जाइएगा मत, कमिंग अप नेक्स्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड इन द एक्सेलरेटेड कंटेनर्स बाय योर ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र बाहुबली सर। एक बार देखना चाहूंगा जी कौन कौन है, वेद व्यास है, रियाद है, अनुष्का, वी हैव सलमान, तौसीफ, आजिम, वंडरफुल जी, ग्रेट। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन। चलिए जी कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल, भारत का अपना एजुकेशनल चैनल अनअकैडमी नीट लाइव डेली।